अरे जाओ ना यार ऊपर अरे कहाँ हो कहाँ हो यहाँ से अभी डिस्कर्स हो गया मैडम अरे परमिशन वाला लेटर लाए हो जो अप्लाई किए थे हम लोग अरे आप 2 बजे रात क्या है मैडम शांति से अरे सर वाला लेटर मत यहां नहीं कुछ सुखी जी का नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस वक्त खबर आ रही है पटना के गांधी मैदान से, जहां छात्रों को रगेत कर भगाया गया है। कुछ छात्र जो थे वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि ये छात्र एसटीटी 2019 बैच के अभ्यर्थी थे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। हालांकि नाम आने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसको लेकर के छात्र प्रदर्शन करने के लिए गांधी मैदान पहुंचे थे। आपको बता दें कि गांधी मैदान में छात्रों को भगाया गया, छात्रों को यह कहकर भगाया गया कि यह उचित स्थान नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि अगर छात्रों को प्रदर्शन करना है तो वो गर्दनी बाग जाएं, यहां पर यह उचित स्थान नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, सुनवाते हैं आपको। जो भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जमा होना इलीगल, गैर कानूनी है था। उनको अगर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना है तो डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति लें, अनुमति मिलती है तो गर्दनी बाग जा करके अपनी मांग को रखें। यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है, ना यहाँ से मार्च निकालने की अनुमति है। इसीलिए वो इलीगल थे, अवैध थे, इसीलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया। तो आपने ऐसे दौड़ाया कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और एक स्टूडेंट तो ऐसे ही भागा जैसे वो क्या कर दिया। सर, कुछ नहीं, छात्र कहते हैं कि अनुमति कभी भी नहीं मिली। सवाल है, छात्र बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि गर्दनी बाग जाए। वो जो उचित मंच है वहाँ जाते नहीं है, जाए नहीं, नहीं बिल्कुल वो गलत बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। वो अपनी मांगों को लेकर उचित मंच पर जाए, बिल्कुल उनकी सुनवाई होगी। अब वो उनको पता है, सब पता है। वो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ विभाग है, वो मंच है, वहाँ मिले, सब लोग मिलते हैं, जाएं अपनी बात रखें। ये नहीं कि जब मन में आया जहाँ रोड जाम कर दिया, जब मन में आया गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, कानून का उल्लंघन है, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। तो आपने सुना अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि यह गांधी मैदान है, यहाँ पर किसी को अगर प्रदर्शन करना है तो अनुमति लेकर के आए, अगर छात्रों को प्रदर्शन ही करना है तो वो गर्दनी बाग जाकर के प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कुछ छात्र एसटीटी मामले को लेकर के, क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो भी सुनवाते हैं। हाईकोर्ट का आदेश, हम लोग का 12 मार्च का रिजल्ट आता है, 12 मार्च के रिजल्ट के बाद 21 जून का मेरिट बनता है। हम लोग मेरिट में आ जाते हैं, हम लोग को जो है घर में मिठाइयाँ पड़ जाती है, गाँव समाज में नाम हो जाता है। इसके बाद 26 जून को जो है सरकार एक लेटर जारी करती है, और लेटर जारी करके कहती है कि मेरिट और नॉन मेरिट जो है अर्थहीन है, यानी कि नॉन मेरिट वैसे लोग जो फेल है, जिनका नंबर कम है। सरकार कह रही है कि हम उन लोगों को भी नियोजन इकाई में भेजेंगे, और एकेडमिक आधार पर जो है बहाली करेंगे, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था, कंडिका और दो 12 पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट कहा गया था कि सीट बराबर रिजल्ट। और स्वयं बिहार ये बताइए आप लोग की मांग क्या है। मांग स्पष्ट रूप से आप लोग का जो है कि स्टेट 19 का जो मेरिट लिस्ट में आए हुए बच्चे 30,475, उन सबकी जो है नियुक्ति पक्की की जाए, क्योंकि हम लोग मेरिट में आ गए हैं। सरकार विज्ञापन चले पकड़ो कर रहा है यार, आराम से। अरे यार